हेलो गाइस, मैं हूँ स्नेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्नेल। आज हम लोग इस में बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी स्टार्ट होने वाला था 18 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 20 से स्टार्ट होने वाला था, जो गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन मिला था कि बंद कर देने के लिए डिलीवरी प्रोहिबिटेड है। ऐसे आप लोग पता है कि डिलीवरी बंद हो चुका है गवर्नमेंट के द्वारा। आपका पूछेंगे, आपका सवाल बहुत सारा है कि आपका डिलीवरी कब होगा और कब कब आपका डिलीवरी पहुंच सकता है और कब स्टार्ट होगा सेल और कब आप लोग न्यू ऑर्डर कर सकते हैं। ये यहाँ आप लोग जान सकते हैं कि आपका ऑर्डर कर सकते हैं, अभी भी ऑर्डर चल रहा है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मेरा वीडियो एंड तक देखिए। मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए मेरे लेटेस्ट टेक वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते। मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो डिलीवरी स्टार्ट कर रहा था, मतलब ऑर्डर स्टार्ट कर चुका था, 18 से ही स्टार्ट कर चुका था। कुछ कुछ प्रोडक्ट फोन भी डिलीवरी होना स्टार्ट हो गया था। आप लोग जानते हैं कि फोन डिलीवरी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन गवर्नमेंट जैसे मैसेज आया था कि हाँ आपका ऑर्डर अभी नहीं डिलीवर होगा क्योंकि बंद करने के लिए, क्योंकि ये केस तो आप जान रहे हैं कोविड-19 के द्वारा केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए कैंसिल कर दिया गया। फिर से अब नहीं होगा। अब ये लॉकडाउन जब 3 मई तक होगा, आप लोग ये भी जान लीजिए कि 3 मई को लॉकडाउन बढ़ेगा ही, ये तो संभावना है कि बढ़ेगा ही। इसलिए आप लोग का प्रोडक्ट यही है कि आप लोग का फोन जो मिलेगा लगभग वो मिलने के चांस है अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही, क्योंकि केस ही बढ़ रहे हैं और हॉटस्पॉट जोन एरिया है वो अभी डिलीवर नहीं होगा। तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि हॉटस्पॉट जोन एरिया में डिलीवरी नहीं होगा तो आप लोग का फोन आ नहीं सकता है, जो भी ऑर्डर किए हैं तो वो नहीं आ सकता है। फिलहाल एसेंशियल प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है फ्लिपकार्ट के द्वारा, आप लोग देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का एसेंशियल डिलीवरी स्टार्ट हो रहा है और डिलीवरी हो भी रहा है। और मैं बताना चाहते थे कि आपका फोन ऑर्डर हो रहा है तो वो कौन सा वेबसाइट है, वो है मी स्टोर। मी स्टोर के ऑफिशियल वेबसाइट पे डिलीवरी नहीं हो रहा है, लेकिन और भी ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब आप लोग ऑर्डर कर दीजिए, जब लॉकडाउन खत्म होगा तब आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरा रिकमेंड तो यही है कि आप लोग पैसा मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि MI कंपनी के द्वारा पैसा घट रहा है, क्योंकि वो लोग सारा इन्वेस्ट करे थे Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max पे। इसलिए वो पैसा मत वेस्ट कीजिए और पैसा अपने पास रखिए, जब लॉकडाउन टूटेगा तब आप ऑर्डर करिएगा। और जिनका जो ऑर्डर शिप हो चुका है, बीच में जो है उनका ऑर्डर अभी नहीं आने वाला है, ये जान लीजिए कि नहीं आ चुका। और बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन था कि आप लोग का प्रोडक्ट जो था स्टेशन पर आ चुका है, आपको डिलीवरी कब होगा, तो आप इंतजार कर लीजिए, जल्दी आपका डिलीवरी होगा। और जिनका इनका प्रोडक्ट हो गया था एक्सटेंड 30 अप्रैल तक, उनका बताना चाहते हो कि उन लोग का अपडेट हो चुका होगा 15 अप्रैल तक, 15 मई तक, सॉरी 15 मई तक अपडेट हो गया है। तो आप लोग जान सकते हैं कि जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे से वो डेट भी बढ़ेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो अच्छा है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।